मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा नए पदभार के बाद आज शहर पहुंचे। मिश्रा ने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी लक्ष्य प्रदेश की कृषि भूमि को सिंचित करना है। सरकार ने पिछले दशक में 35 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया, अगला लक्ष्य उनका 60 लाख हेक्टेयर है। बाबूलाल गौर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस से उनका कोई घनिष्ठ मेलजोल नहीं है। संजय पाठक को सोच समझ कर मंत्री बनाया गया है, बाकी सब अफवाह है। माननीय मुख्यमंत्री जी खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं, उस संकल्प की पूर्ति में उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, अच्छा लगा। आप देखेंगे सिंचाई का रकबा हमने पिछले 10 साल में काफी बढ़ाया है। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, शिवराज सिंह जी के आने के पहले तक कुल 7.5 लाख हेक्टर भूमि ऐसी थी जो सिंचित थी, एरिकेटेड लैंड थी। आज 35 लाख हेक्टर इन 10 वर्षों में हुआ है, ये उन्हीं का संकल्प है। इसको आगे 50-60 लाख हेक्टर तक ले जाना ये जिम्मेदारी है, इसे पूरी करेंगे, पूरे प्राणपण से जुटेंगे, खेती लाभ का धंधा बने। ये कहना ठीक नहीं है कि वो नाराज हैं। बाबूलाल जी गौर हमारे पहले भी नेता थे, आज भी नेता है और आगे भी नेता रहेंगे, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है। कांग्रेस के लोग ठीक है, उनके संपर्क हैं, संबंध हैं, पर हमारे बुजुर्ग हजारी लाल रघुवंशी जी वगैरह जो कांग्रेस के हैं उनकी भी चिंता करें, एक आध बार उनके यहाँ भी चले जाएं। कोई डैमेज कंट्रोल की जरूरत नहीं है, सोच विचार के बनाया हुआ है। जबलपुर से एमएसटीवी के लिए कमलेश पटेल की रिपोर्ट।